अवतार द वे ऑफ वाटर ने रिलीज से पहले ही इंडियन सिनेमा का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ डाला है। इस फिल्म ने रिलीज से 10 दिन पहले एडवांस बुकिंग में 10 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया है। जेम्स कैमरून डायरेक्टेड अवतार 2 16 दिसंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए शेड्यूल है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक अवतार द वे ऑफ वाटर भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे तेज एडवांस बुकिंग वाली फिल्म बन गई है। इस फिल्म ने सोमवार की शाम बुकिंग बंद होने तक 10 करोड़ रुपए की नेट कमाई कर ली है। सनद रहे, ये एडवांस बुकिंग शुरुआती 3 दिनों यानी 16, 17 और 18 दिसंबर के लिए है। इससे पहले यह रिकॉर्ड डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के नाम था। MCU की इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 10 करोड़ रुपए का आंकड़ा रिलीज से 9 दिन पहले छुआ था, जबकि अवतार 2 ने 10 दिन पहले ही ये कारनामा कर दिया है। अवतार 2 की पहले दिन के टिकटों की एडवांस बुकिंग भी काफी हेल्दी बताई जा रही है। SACNILK.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के ओपनिंग डे के लिए 4.8 करोड़ रुपए के टिकट बिक चुके हैं। फिल्म की रिलीज होने तक इस आंकड़े में इजाफा होना पक्का है। इंडिया में सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड एवेंजर्स एंड गेम के नाम है। रिलीज से पहले इस फिल्म के 65 करोड़ रुपए के टिकट बिक चुके थे शुरुआती 3 दिनों के लिए। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ही फिल्म है। उस फिल्म का नाम है स्पाइडरमैन नो वे होम। जॉन वॉट्स डायरेक्टेड इस फिल्म की रिलीज से पहले 47 करोड़ रुपए के टिकट बिक गए थे। 2009 में अवतार रिलीज हुई थी। रिलीज के बाद ये दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उसका रिकॉर्ड एवेंजर्स एंड गेम ने तोड़ा। अभी दुनिया की सबसे कमाऊ यही दो फिल्में हैं। अवतार ने 3 ऑस्कर अवार्ड भी अपने नाम किए हैं। अब उसका सीक्वल अवतार द वे ऑफ वाटर आ रही है। इस फिल्म में सैम वर्थिंगटन, जोई सल्डाना, सिगोनी वीवर, स्टीवन लैंग और केट विंसलेट ने लीड रोल्स किए हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अवतार द वे ऑफ वाटर 16 दिसंबर 2022 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी श्वेतांक ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।